Hello students, you are most welcome in the AMD YouTube classes and your subject is Universal Human Value and Professional Ethics. And today's topic is Professional Ethics. ठीक है, आज जो हम इसमें टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई व्हाट इज प्रोफेशनल एथिक्स. ठीक है, एक तो नॉर्मल एथिक्स होते हैं जो कि आपको किसी भी इंडिविजुअल को इंडिविजुअली फॉलो करने पड़ते हैं, साथ के साथ अपनी फैमिली के साथ फॉलो करने पड़ते हैं, साथ के साथ किसे जो आपकी सोसाइटी होती है उसमें आपको फॉलो करने होते हैं. ठीक है, इसी तरह आपके कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं अपनी जहाँ पर भी आप वर्किंग करके चलते हो. ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई प्रोफेशनल एथिक्स आर प्रिंसिपल दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और ग्रुप ना बोलते संवाद. ठीक है, नॉर्मली प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं आपके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करते होते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है कि उसका एज अ प्रोफेशन क्या बिहेवियर है. ठीक है, जहाँ पर वो वर्किंग कर रहा है वहाँ पर उसका ग्रुप में क्या बिहेवियर है या जो आपका जो आपका पूरा बिजनेस एनवायरमेंट है जहाँ पर आपके कलीग्स भी होंगे, सुपीरियर भी होंगे, आपके सबॉर्डिनेट भी होंगे, तो वहाँ पर जो आपको क्या बिहेवियर वहाँ पर अपना कंडक्ट करके चलो. तो जब आप वहाँ पर अपना जो भी आपका बिहेवियर होगा वो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल एथिक्स होना चाहिए. ठीक है, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल एथिक्स. ठीक है, इसमें आगे लिखा हुआ है लाइक वैल्यूज प्रोफेशनल एथिक्स प्रोवाइड रूल्स ऑन हाउ अ पर्सन शुड एक्ट टुवर्ड्स अदर पीपल एंड इंस्टीट्यूशन इन सच एन एनवायरमेंट. जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं वो आपको रूल्स प्रोवाइड कराते हैं कि भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं या जो अदर मेंबर्स हैं उनके साथ आपको किस तरीके से बिहेव करना है, आपको उनके किस तरीके से उसे रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, किस तरीके से आपको उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके चलना होगा. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एथिक्स होंगे, जो भी प्रोफेशनल एथिक्स होंगे, आप सब तक आपको उन्हें फॉलो करके वहाँ पर चलना पड़ता है. तो सिंपल है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं कि दीज आर द रूल्स विच आर यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कि हाउ पीपल्स बिहेव विद ईच अदर, कि रूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं और किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ वहाँ पर बिहेव करके चलोगे. क्योंकि जब हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं या नॉर्मल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो दोनों में आपका डिफरेंस हो जाता है. ठीक है, डिफरेंस इन द सेंस ऑफ कि आप फैमिली में बिहेव करते हो, सोसाइटी में बिहेव करते हो, आपको जब आप ऐसा प्रोफेशनली हो, प्रोफेशन में आप काम करते हो तो वहाँ पर आपको अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाने होते हैं. अब इसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. ठीक है, कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के जिन्हें आपको फॉलो करके चलना होता है. ठीक है, और जिससे कि क्या होता है कि वहाँ पर आपका जिस तरीके से बिहेवियर जो स्टैंडर्ड होता है वो आपका इंक्रीज होता है, साथ के साथ आपका जो एटीट्यूड होता है वो आपका पॉजिटिव होता है. तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करके चलनी होती है. तो इसमें सबसे पहले है ऑनेस्टी. ऑनेस्टी वेरी सिंपल है, यदि आप ऐसा प्रोफेशन काम करते हो तो आपको अपने वर्क के रिगार्डिंग ऐसा ऑनेस्ट होकर रहना पड़ेगा. ठीक है, ये नहीं है कि इधर उधर से मतलब आप चीज़ों का गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, उनका फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा. यदि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो आपको प्रॉपर वहाँ पर जो है ऑनेस्टी रखनी होगी, प्रॉपर आपको वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी. इससे क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली आपकी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो वहाँ पर आपकी इंक्रीज होगी. नेक्स्ट है ट्रस्टवर्थीनेस. ट्रस्टवर्थीनेस मीन्स कि आपको ट्रस्टवर्थी रहना होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि क्या जो अदर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें. ठीक है, अब आप क्या करते हो, कह पूछ रहे हो, कर पूछ रहे हो. ठीक है, किसी से कुछ बात करी आपने वो इधर से इधर बात करी, तो उससे क्या होता है कि जो ट्रस्ट होता है वो आपके ऊपर से ट्रस्ट वहाँ पर हट जाता है. तो आपको बिल्कुल ट्रस्टवर्थीनेस आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको रहना पड़ेगा. ठीक है, इसके अलावा लॉयल्टी. लॉयल्टी मीन्स कि आपको यदि हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो आपको वहाँ पर लॉयल रहना होगा. ठीक है, लॉयल इन द सेंस ऑफ
कि ये नहीं है कि भाई आपको अपनी मर्जी से कुछ करते हो या जरूरत से जो आपके मन में आ रहा है वो करते हो, तो आपको अपनी वहाँ पर गलती क्रिएट करनी होगी जिससे कि लोग आपके ऊपर आपकी बातों से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल हो, लोग आपके ऊपर कहीं ना कहीं वहाँ पर ट्रस्ट करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स क्या, कि चाहे आपका कोई कलीग्स हो, ठीक है, चाहे आपका कोई सुपीरियर हो और चाहे कोई आपका सबॉर्डिनेट हो, आपसे नीचे, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबकी वहां पर एक तरीके से रेस्पेक्ट करके चलनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है कि यदि आप दूसरों के रेस्पेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली जो अदर पर्सन होगा वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा, अदरवाइज क्या होगा आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तो दूसरा भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपकी रेस्पेक्ट वहाँ पर नहीं करेगा। डूइंग गुड एंड अवॉइडिंग हार्म टू अदर, ठीक है, जो भी काम करो सही काम करो, वो ऐसा कुछ मत करो कि जिससे कि क्या जो आपके अदर मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो और मेंबर्स हैं वो उससे हार्म ना हो, वो उसे आपके वहाँ पर अफेक्टेड ना हो, तो इसलिए डूइंग गुड एंड अवॉइडिंग हार्म टू अदर। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि आप यदि कोई काम कर रहे हो तो आप उसके लिए अकाउंटेबल होने चाहिए, ठीक है, कि ये नहीं कि आपको कोई काम दिया आपने उठा के जो है अपने सबॉर्डिनेटर के ऊपर डाल दिया, ठीक है, अपने से जिम्मेवार के ऊपर डाल दिया, अच्छा किया तो आपने किया, गलत किया तो जो भी आपके नीचे सबॉर्डिनेटर है कि इनकी वजह से ये क्या सारा काम गलत हो गया, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या करनी होगी, आपको वहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी अपनी पूरी करनी, आपको अकाउंटेबल वहाँ पर होना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो क्या होता है कि प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट ड्रो ऑन दीज प्रोफेशनल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्क्राइबिंग रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर फॉर मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, रूल्स होते हैं जिन्हें आपको अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो अदर इंडिविजुअल्स होते हैं उनके साथ आपको फॉलो करके चलना होता है, तो जो है आपके यदि आप प्रोफेशनली कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो काम करके चलते हो, ठीक है, तो उसके आपके कुछ बेनिफिट्स वहाँ पर होते हैं। उसमें यदि हम सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करें, द पब्लिक हैज ए बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द प्रोफेशन ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, आप यदि हम बात करें यदि आपकी ट्रस्ट वर्दी रिगार्डिंग द अदर मेंबर, ठीक है, तो वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका भी बढ़ेगा, साथ के साथ जो अदर मेंबर्स हैं उनका भी किसी भी वर्क को करने के लिए उनका भी वहाँ पर कॉन्फिडेंस इनहांस होगा, उनका भी कॉन्फिडेंस वहाँ पर बढ़ेगा। नेक्स्ट है क्लाइंट्स एज दे प्रोवाइड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड सर्टेनिटी अबाउट हाउ दे प्रिपेयर विल बी हैंडल। क्लाइंट्स आपके होते हैं, ठीक है, तो उनकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपकी कोई भी आपको ये चीज़ें डिफाइन करनी है तो वो सारी चीज़ें आपकी एक ट्रांसपेरेंसी के थ्रू वहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि तो क्या होगा आप एक बार गड़बड़ करके किसी क्लाइंट को कुछ दे सकते हो, आप बार बार ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको ट्रांसपेरेंसी अपने प्रोसेस के अंदर रखनी होगी। नेक्स्ट है थर्ड जो पॉइंट है वो है कि मेंबर ऑफ द प्रोफेशन एज दे प्रोवाइड अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर रेसिस्टिंग प्रेशर टू एक्ट इन एप्रोप्रिएट एंड फॉर मेकिंग एक्सेप्टेबल डिसीजन इन व्हाट मे बी ग्रे एरिया, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसका एक बेनिफिट क्या होता है, जब आप फॉलो उसको कंडक्ट को फॉलो करके चलते हो, ठीक है, तो एज अ प्रोफेशनल जो आपका अदर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, वो भी आपके साथ प्रॉपरली 100% भी आपके साथ वहाँ पर जुड़ जाता है, क्योंकि आप जो कोड ऑफ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट हो उन्हें फॉलो कर रहे हो तो दूसरे भी उन्हें करेंगे, आप नहीं कर रहे हो तो दूसरा उन्हें फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट है द प्रोफेशन एज अ होल एज दे प्रोवाइड द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस विच बिल्ड कोलेजियलिटी एंड अलाउ टू डिसिप्लिनरी प्रोसेस, ठीक है, आप प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर अपने आप को आपने सेल्फ डिसिप्लिन रखा हुआ है तो जो आपके अदर्स भी होंगे वो भी वहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर डिसिप्लिन वो भी वहाँ पर होंगे, ठीक है।
लास्ट है जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका अदर डेली प्रोफेशन एज द प्रोफेशन विल बी सीन एज मोर रिलेबल एंड ईजियर टू डील विद। ठीक है, यदि आप जैसे रिलायबिलिटी की बात करें तो यदि एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, यदि आप ठीक है और आपके आपके प्रोफेशन में रिलायबिलिटी है तो उसका फर्क क्या होता है कि आपको कुछ भी डील करना है, कुछ भी चीज़ें आपको करनी है तो आप उसे वहाँ पर इजीली कर सकते हैं।